हमको मोबाइल भी नहीं था, किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बुलवा के टांग के बुलवा के हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को कपड़ा धोने वाला को। आखिर लालू यादव की भरोसेमंद कौन है मुन्नी रजक? सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है इस दलित महिला की चर्चा? आखिर क्यों आरजेडी ने बनाया इन्हें एमएलसी उम्मीदवार? उम्मीदवार बनने के बाद क्या कहा मुन्नी रजक ने? नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, सोशल मीडिया ने न जाने कितने लोगों को उनके हुनर के बल पर रातों रात मशहूर बना दिया। सोशल मीडिया की ताकत क्या है यह भी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई साधारण सा इंसान सोशल मीडिया नहीं बल्कि राजनीतिक दल की वजह से रातों रात फेमस हो जाए और पूरे देश में छा जाए, और अगर साथ ही सोशल मीडिया का सपोर्ट हो तो फिर क्या ही कहना, मानो संबंधित व्यक्ति की लोकप्रियता में चार चांद लग गए हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की मुन्नी रजक की, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है। मुन्नी रजक को एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ भी हो रही है। तो आइए जानते हैं कौन है मुन्नी रजक और उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने पर गरीब और दलितों का मसीहा और सामाजिक न्याय के परम योद्धा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी की तारीफ क्यों हो रही है। साथियों, आपको बता दें मुन्नी रजक बेहद ही साधारण दलित परिवार की महिला हैं। मुन्नी रजक नालंदा के बख्तियारपुर की रहने वाली हैं। मुन्नी रजक पटना में कपड़ा धोने का काम करती हैं। साथियों, यहां पर आश्चर्य की बात यह है कि इस जमाने में भी मुन्नी देवी के पास अभी तक खुद का मोबाइल फोन भी नहीं है। एमएलसी उम्मीदवार बताती हैं कि जब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से खबर आई और उन्हें घर के अंदर बुलाया गया तो वो काफी डर गई थी। मुन्नी देवी बताती हैं कि उनके डर की वजह दरअसल ये थी कि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, जिसके कारण उन्हें डांटने के लिए राबड़ी आवास के अंदर बुलाया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं था। मुन्नी देवी जैसे ही राबड़ी आवास के अंदर गई तो उनके साथ वह जो हुआ उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां साथियों, मुन्नी देवी ने एमएलसी उम्मीदवार का टिकट पाने के बाद मीडिया से कहा, लालू परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद, जब मुझे राबड़ी देवी के आवास बुलाया गया था तो मैं डर गई थी और मुझे टांग कर सब लोग वहां ले गए, मगर सभी ने एक गरीब कपड़े धोने वाली को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। लालू जी के बधाई हमारे सुप्रीनो लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, अत्य तेजस्वी भाई का, हमारे मीसा दीदी का, इस सब पांचों मिल करके हमको मोबाइल भी नहीं था, खुशखबरी लोगों को जेंस किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बुलवा के टांग के बुलवा के हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को कपड़ा धोने वाला को। तो साथियों, ये थी मुन्नी रजक के बारे में वो अहम जानकारी जिसे देश भर के लोगों में जानने की उत्सुकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के बारे में लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, उनकी किस प्रकार से तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से देश भर के लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दें आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय अपने ट्विटर हैंडल पर मुन्नी रजक का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि आप भी बधाई दीजिए राजद की नई एमएलसी को। तो वहीं बिहार के एक लोकल अखबार ने इसे अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है और हेडलाइन लिखी है कि लालू प्रसाद यादव ने खींची महिला सशक्तिकरण की लकीर। इसी अखबार की कटिंग को महिला प्रकोष्ठ राजद के ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव महिला सशक्तिकरण के प्रबल स्रोत हैं। द मूक नायक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि लोकतंत्र का कमाल, दूसरों के कपड़े धो स्त्री करने वाली मुन्नी रजक को लालू प्रसाद यादव ने बनाया विधान परिषद का उम्मीदवार। तो वहीं एक और मीडिया एजेंसी के ट्विटर हैंडल साहित्य सृजन पर लिखा है कि भारतीय राजनीति में कभी कभी ही आने वाली कुछ खूबसूरत क्षणों में एक श्रीमती मुन्नी देवी। तो साथियों, ये थी मुन्नी रजक की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई।
आप मुन्नी रजक के बारे में क्या सोचते हैं, अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि जिस प्रकार से ये फैसला राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी ने लिया है, इनसे देश की राजनीति और देश के नेताओं को क्या सीखने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।